24 मई को निर्वाचन कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, नगरी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण है, यानी 24 मई से प्रशिक्षण शुरू है। अब आप जरा समझ लें कि तारीख क्या हो सकती है। हालांकि तारीख नहीं बताई गई है, लेकिन प्रशिक्षण की तारीख जरूर आ गई। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वर्चुअल ट्रेनिंग है। अपर कलेक्टर और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नगरी निकाय एवं पंचायत आम निर्वाचन से संबंधित कर्मियों को नियत तिथि में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरी निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 की तैयारियों के संबंध में 24 मई 2022 को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान ईवीएम की कार्यप्रणाली, संचालन की प्रक्रिया, ईवीएम की कमीशनिंग, सीलिंग, वहीं ईवीएम का रेंडमाइजेशन, डीएमएम की सीलिंग, मतपेटी के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया तथा निर्वाचन, ये तमाम तरह की चीज़ें उसमें है। मनोज झा, 24 तारीख से जो है प्रशिक्षण भी शुरू है, तो इससे समझा जा सकता है कि तैयारियां पूरी हैं शासन की। देखिए विजय, जो संकेत मिल रहे हैं, बड़ी खबर भी हो सकती है। 26-27 तारीख को अधिसूचना जारी हो सकती है, चुनाव का जो कार्यक्रम है वो सामने आ सकता है, जिस तरह सूत्रों के हवाले से खबर है। और 24 तारीख को जैसे ही प्रशिक्षण की काम शुरू होगा, आप देखिए 20 तारीख तक कलेक्टरों से जानकारी मांगी गई, जिला जो अधिकारी है उनसे जानकारी मांगी गई, जिलों की, पंचायतों की। उसके बाद 24 तारीख को जो प्रशिक्षण होता है वो होने जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसी बीच में कार्यक्रम भी तय हो जाएगा, यानी 26 या 27 तारीख को आचार संहिता लग सकती है और उसके आधार पर कार्यक्रम सामने आ सकता है। तो पूरी तरह मध्य प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत के चुनाव पहले होंगे, उसके बाद नगरी निकाय के चुनाव होंगे। और जो जिन हम पंचायतों की बात कर रहे हैं, विकास खंडवार जैसे ही जानकारी आती है, जानकारी के लिए भी समय तय किया गया 20 तारीख तक। ये तमाम तरह की जानकारी वहाँ के CEO को, कलेक्टर को, निर्वाचन आयोग को देना होगा। बहुत आनंद फानंद में चुनाव होने जा रहे हैं, क्योंकि अब समय भी नहीं बचा, बहुत कम समय बचा। और आपको याद होगा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना पहला आदेश जारी किया था तो उसमें कहा था 2 हफ्ते के भीतर अधिसूचना जारी करें, तो वो समय भी पूरा हो रहा है। तो आप मानकर चलिएगा कि 26-27 तारीख को अधिसूचना जारी हो सकती है और उससे पहले तमाम तरह के कार्यक्रम दिखाई देंगे। 3 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं, तो पंचायत से जुड़ी बड़ी खबर है, 3 चरणों में पंचायतों के चुनाव होंगे, उससे पहले प्रशिक्षण। जी शुक्रिया मनोज, इस तमाम बातचीत के लिए। तो तैयारियां पूरी हैं शासन प्रशासन की और लगातार जो है इसको लेकर एक एक चरण आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कि 24 मई को कर्मचारियों का प्रशिक्षण है, इससे पहले आज जिलेवार सबसे डेटा मांगा गया है, विकासखंड के अलग अलग डेटा बताए गए, 3 चरणों में ये डेटा मांगा गया, यानी कि 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। तारीख अभी फिलहाल घोषित नहीं है,